पत्रकारों ने लगाई डीएम खीरी से न्याय की गुहार। बालू खनन की छवि खबरों से आक्रोशित सिपाही कुलदीप यादव ने की पत्रकार से मारपीट। मोबाइल तोड़ा व आधार कार्ड पैन कार्ड व जेब में रखे 1340 रुपए छीने। जिले में पत्रकारों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के सिलसिले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन खीरी पुलिस द्वारा कोई न कोई ऐसा कारनामा कर दिया जाता है जिससे पुलिस की छवि पर बट्टा लग रहा है। जिले में सत्य को उजागर करना पत्रकार को बहुत भारी पड़ रहा है, जिसके कई जीते जागते उदाहरण कोतवाली सदर में देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस चौकी रामपुरा में तैनात सिपाही कुलदीप यादव द्वारा करित्र क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। क्या मामला? मेरी बात कर, मैं काम करता हूँ, तत्कार हूँ विज्ञापन के लिए। ईसाई सदोसराय के पास मिलेगा पहले कुलदीप सवाल यहाँ तक हुई थी फोन, अवैध खनन और शराब के बारे में बातचीत करनी थी। 2 जुलाई कुलदीप में जब हम ईसाई साल में पहुँचे रसीद दी, इससे पहले इन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया, काफ़ी मारपीट की, हमारा मोबाइल तोड़ दिया, एक से वाले पैसे और पर्स जिसमें आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड नहीं था वो लगता। बताते चले कि पत्रकार साजिश किसी कार्य से चौकी प्रभारी संतोष राय से मिलने गया था। जैसे ही वह चौकी प्रभारी के समक्ष पहुंचा ही था कि अपने विरुद्ध संकलित साक्षियों से आहत सिपाही कुलदीप ने चौकी प्रभारी के समक्ष ही धाबा बोल दिया और दोनों के बीच हुई छीना छपटी के दौरान सिपाही द्वारा पत्रकार का आधार कार्ड DL पैन कार्ड व 1340 रुपए निकाल लिए गए और मोबाइल गिरकर टूट गया। अपने साथ सिपाही द्वारा की गई दारदागिरी की शिकायत DM खीरी के व पुलिस अध्यक्ष से कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अध्यक्ष खीरी को दिए गए पत्र प्रार्थना पत्र में सिपाही पर देसी कच्ची शराब बनवाने में पैसा लेकर सहयोग करने व अवैध खनन कराने के आरोप लगाए।